और ये समय हम परमेश्वर को समर्पित करते अपनी आंखों को जितने भी दर्शक जितने भी विश्वासी लोग आप सभी लोग जहां भी दुनिया के कोई भी कोने में हो सुन रहे हैं देख रहे हैं अपनी आंखों को बंद कीजिए आइए थोड़ा समय हम प्रार्थना में बिताते हैं उस पवित्र आत्मा को से हम विनती करते हैं कि वो सच्चाई में सत्य में हमारी अगुवाई करे परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर पवित्र आत्मा तो आज हमें उन घटनाओं के बारे में तेरे सत्य में तू कर तू है जो बातें हम समझ नहीं सकते वो बातें हमें समझ में लाता है क्योंकि आपकी बातें स्वर्गीय बातें हैं आत्मिक बातें हैं जो इस संसार के मनुष्य को और संसार की समझ के अनुसार वो प्राप्त करना चाहे तो नहीं कर सकता है प्रभु और इसलिए हमें आपकी मदद की और आपकी सहायता की जरूरत है प्रभु प्लीज आपका अनुग्रह हो और आप हमारी मदद करें प्रभु करते परमेश्वर विशेषकर हम यह मानते परमेश्वर इस समय जितने भी दर्शक देख रहे पवित्र आत्मा उनके घरों में उनके रूम में आप उपस्थित रहे चाहे वो कोई भी जगह पर हो प्रभु उनके आसपास पवित्र आत्मा प्रभु तेरा वातावरण प्रभु वहां पर हम जाहिर करते हैं पवित्र आत्मा जहां पर आप हो वहां पर स्वतंत्रता है आपका वचन साफ कहता है और हम यह प्रार्थना करते कोई भी बात हमारा अज्ञान या तो हमारा ज्यादा ज्ञान कोई भी बात या तो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रभु ज्ञान कुछ भी हो प्रभु कोई भी बात प्रभु तेरी सच्चाई को ग्रहण करने के अवरोध में अगर आती है हम यीशु के नाम में उसको निष्फल करते हैं और तोड़ते हैं यीशु मसीह के बड़े पवित्र नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप सभी की सहायता करें और इस बाइबल अध्ययन में प्रभु विशेष करें बातों को समझने के लिए हमें एकाग्र मंद हम पूरे ध्यान के साथ इस पूरे समय में हम बैठे और सीखे या अनुग्रह होने दीजिए पिता यीशु के लौ में यह पूरा समय हम कवर करते हैं आपकी आशीष हर एक जन पर आज यीशु के नाम में मांगते हैं तो हम इस बातों में आगे बढ़ते हैं पिछले समय में हमने जो बातें सीखी वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संबंधित उसमें हमने सीखा था कि यीशु मसीह का आना पुनरागमन दो हिस्सों में बटा हुआ है और पहला हिस्सा हमने सीखा था कि वो कैसा है मेघारोहण होगा वहां पर जब वो आएंगे तब वो वो कैसे आएंगे तो बादलों पर आएंगे सीधे पृथ्वी पर वो कदम नहीं रखने वाले हैं पर सीधा बादलों पर वो आएंगे और क्या होने वाला था हमने पढ़ा था नहीं पहला थे सलोनी के और चौथे अध्याय में से ये बात हमने सीखी थी कि हम उनके साथ क्या होंगे आसमान में बादलों पर उठा लिए जाएंगे और उसका मीनिंग कहलाता है रेप्चर और पहली घटना ये थी महत्वपूर्ण वो थी रेप्चर जिसमें हम सभी का जो विश्वासी लोग हैं उनका रूपांतर हो जाएगा मई शरीरों में और वे लोग स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे परमेश्वर के साथ उसके बाद में जो पीरियड आता था और वो पीरियड है क्लेश काल का पीरियड और वो वो पीरियड है सात साल का समय कितना समय है सात साल का समय आपके सामने है स्लाइड्स सात साल का समय था और उसके ऊपर आज हम ज्यादा ध्यान केंद्रित करने वाले हैं हालांकि इसके भीतर बहुत कुछ है बहुत सारा अभ्यास इसमें शामिल है आप देखने जाओ तो प्रकाशित वाक्य के आ, के चौथे पांचवे अध्याय के बाद से अगर हम शुरू करते तो अंतिम उन्नीसवा अध्याय आता है नहीं वो वो पाठ तक ये बातें चलती है और इसका वर्णन इसमें लिखा गया है आ, क्या होने वाला है नहीं इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं रिप्यूलेशन या तो क्लेश काल क्लेश काल का पीरियड दो आ, दो भागों में बटा हुआ है वो है क्लेश काल और महाक्लेश पहले साढ़े तीन साल का समय है क्लेश काल और उसके बाद में जो क्लेश है जो विपत्तियां हैं उसकी इंटेंसिटी या तो उसकी तीव्रता बोलो बहुत ही बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी जिसको बोलते हैं महाक्लेश और क्यों इसको क्लेश काल कहा गया महाक्लेश का हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे अः इस क्लेश काल के बहुत सारे नाम बाइबल में अलग अलग रेफरेंस में लिखे गए हैं पहला है याकूब के संकट का समय यह क्या है याकूब के संकट का समय मतलब इज़राइल के संकट का समय है यह बाइबल की शुरुआत से अगर आप देखो तो परमेश्वर ने अपने लोगों के और संसार के लोगों में हमेशा एक दूरी रखी एक अंतर रखा है आप देखो तो जब मूसा मिस्र में नहीं अपने लोगों को छुड़ाने के लिए गया जो सारी विपत्तियां वहां पर आई तो वहां पर जो विपत्तियां आती थी वो किन पर आती थी तो मिस्र लोगों के ऊपर मिस्र के लोगों पर आती थी पर वो लोगों पर नहीं आती थी क्योंकि परमेश्वर उनको इनसे अलग रखता था तो परमेश्वर शुरू से ये फासला रखता है आया है तो ये जो है वो याकूब के संकट का समय है कौन सा याकूब के संकट का समय दूसरा जो है ये दानियल का सत्तरवा सप्ताह जिसके बारे में लिखा गया बाइबल में डैनियल में डैनियल सेवनटींथ वीक दानियल का सत्तरवा सप्ताह के बारे में यह बात वर्णन करती है सत्तरवा सप्ताह का मतलब है आ, ये साल का पीरियड जिसमें आ, जो बातें घटने वाली है वो बातें तीसरा जो नाम है वो संकट का समय या तो मुसीबत का समय चौथा नाम है इसके बारे में प्रकोप का भयानक दिन इसमें प्रकाशित वाक्य में छह सत्रह में लिखा है प्रकोप का भयावह दिन परीक्षा पांचवा जो नाम है वो है परीक्षा का समय जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए आने वाला है पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं उनके परखने पर के लिए आने वाला है और जहां पर भी पृथ्वी पर रहने वालों का समय आता है उनका मतलब है विश्वासी या कलिसिया नहीं क्योंकि कलिसिया के लिए परमेश्वर ने पहला पत्र दो और नौ में साफ लिखा है कि वह चुने हुए लोग नहीं चुना हुआ वंश खास प्रजा मेरी निज प्रजा नहीं, और वो नाम दिए वहां पर याजक वंश रॉयल प्रिस्ट, तो वो पृथ्वी पर रहने वालों के से अलग गिन रहे संसार में से विश्वासियों को कलिसिया को अलग किया गया है लहू से खरीदा हुआ है तो यह किन लोगों के ऊपर आने वाला है जो लोग इस संसार में रेप्चर में जो होने वाली है, जो घटना रेप्चर के रूप में होने वाली है उसमें जो शामिल नहीं होने वाले उनके जीवन में यह घटना होने उनको लेकर यह घटना आने वाली है आक्रोश का समय इसमें लिखा है कि परमेश्वर के यह क्या है आक्रोश का समय है आक्रोश का समय है दूसरा शब्द है महाक्लेश काल का समय है यह प्रभु का दिन इसके लिए बोला गया है प्रभु का दिन भी बोला गया है इसमें क्या पर आप देख सकते हो ये प्रभु का दिन भी इसमें बोला गया है आ, इसके बारे में कुछ और आयत हम सीखने का प्रयास करेंगे जो बाइबल में लिखे काल और क्लेश काल के संबंधित बाइबल में जो लिखा है वो मत्थी 24 में यह वर्णन कहता है कि उस समय वह समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत से आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा दो जॉयल दो और दो ज़फ़निया एक और पंद्रह में ऐसा लिखा है कि हालांकि क्लेश शांति के समय के रूप में शुरू होता है मतलब जब ये शुरू होगा एक पीसफुल वातावरण के रूप में होगा ये शांतिमय वातावरण के रूप में और ये जल्दी ही बहुत जल्द ये मुसीबत का समय बन जाएगा लोगों के लिए दूसरा यह ईश्वर के प्रकोप का समय है मतलब उनके आक्रोश का समय है दूसरी जगह ऐसा लिखा है बाइबल में कि यह परमेश्वर का बदला लेने का समय है यारो बहुत कुछ इसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है अः यह समय अत्याधिक एक्सट्रीम लेवल में अधर्म पाप और डेमोनिक एक्टिविटीज बढ़ जाने का समय है यारो यह समय में अधर्म पाप और शैतान की गतिविधियां बहुत बड़े पैमाने में बढ़ जाएगी वो यह समय है इस समय के बारे में और भी जानकारी जॉयल एक और पंद्रह में जफनिया एक पंद्रह में जॉयल दो और तीन में ऐसा लिखा है कि यह विनाश और वैश्विक तबाही का समय होगा ये जो सात साल हो गए यारो बहुत भारी सर्वनाश विनाश और वैश्विक तबाही का समय होगा ग्लोबल कैटास्ट्रोफी का ये पूरा पीरियड है प्यारों। आ, इस समय के लिए ऐसा बाइबल में लिखा है कि सबसे ज्यादा अत्याधिक धोखा धड़ी का समय होगा ये भ्रमित होने का यह समय होगा प्यारो क्यों क्योंकि यह समय ये सब क्यों होने वाला है क्योंकि कलिसिया जिसके लिए बाइबल में लिखा है कलिसिया क्या है चुने हुए लोग क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो चुने हुए लोगों के द्वारा करता है इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया को क्या बोला है मेरे लोग तुम जगत का क्या हो नमक हो तुम जगत का उजियाला हो पर अब जगत का उजियाला जगत का नमक नहीं रहा है नहीं इसलिए यह समय और भी नहीं डेमोनिक एक्टिविटीज को शैतानी गतिविधियां बढ़ जाने का समय होगा और यह सब बहुत ही बढ़ जाने का समय होगा प्यारो विश्वासियों की शहादत बड़े पैमाने पर होगी हाँ प्यारो बहुत बड़े पैमाने पर विश्वासियों की अब आप सोचो कि विश्वासी तो उठा लिए गए होंगे हाँ पर जो लेफ्ट बिहाइंड जो रह गए होंगे जिनको बाइबल में सेकंड फ्रूट बोला गया है दूसरे फल नहीं जो जो रह जाएंगे हम लोग मसीह में प्रथम फल है नहीं ये हमारे लिए प्रथम हम फल रहे हैं। हम उसके साथ में है उसके साथ जुड़े हुए पर ये सेकंड फ्रूट कहलाते दूसरे फल कहलाते तो ये लोग रह जाएंगे वो बाद में चुनेंगे कि हम प्रभु के पीछे चलेंगे कुछ भी हो जाए कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो ऐसे लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर पे खातबा उस समय में किया जाएगा हाँ ख्रिस्ट विरोधी द्वारा प्यारो और ये उनकी शहादत का ये बहुत भारी समय होगा दूसरी एक बड़ी बात है कि एक अभूतपूर्व सुसमाचार प्रचार का भी यह समय होगा हाँ बहुत बड़े पैमाने में सुसमाचार प्रचार का यह समय होगा बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ आप प्रकाशित वाक्य निकाले उसमें एक आयत में आपको आ, हम पढ़ेंगे सातवें अध्याय में यह बात लिखी है कि आयत से कि इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और 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 लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था और कैसे क्या थे वे श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और इसके लिए आगे लिखा है आ, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा यह श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं मैंने उससे कहा हे स्वामी तू ही जानता है लिखा है कि ये वे है जो उस महा क्लेश में से निकल कर आए समझ में आ रहा है महाक्लेश में से निकल कर आए हैं मतलब ये वो विश्वासी है जिनकी शहादत होगी प्यारो और बहुत बड़े पैमाने में इनका इनके ये लोग सुसमाचार पाकर विश्वास में जुड़े हुए लोग होंगे प्रभु यीशु को ग्रहण किए हुए लोग होंगे प्यारो और ये महाक्लेश निकल कर आए हैं, ठीक है इन्होंने अपने वस्त्र के लहू में दो कर श्वेत किए दूसरा ये ट्रिपुलेशन पीरियड क्लेश काल का समय वैश्विक युद्ध का समय भी है प्यारो सार्वभौमिक युद्ध का समय होगा प्यारो बहुत बड़े पैमाने में युद्ध और युद्ध की घटनाएं लड़ाई की घटनाएं ये समय में होगी बाइबल कहता है मैं नहीं कहता हूं और दूसरी बड़ी बात इज़राइल का शुद्धिकरण का यह समय है है अभी हमने पढ़ा याकूब के संकट का समय पर दूसरा यह जैफरिया तेरा और नौ में लिखा है इजराइल का शुद्धिकरण का समय है क्यों आप निकाल के पढ़े जफरिया तेरह और नौ हम पढ़ना चाहेंगे सॉरी तीन और नौ मेरे लिखने में गलती हुई है उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बोलवाऊंगा इसमें आप पा सकते हो बात इज़राइल के शुद्धिकरण का यह समय है दूसरी जो बात हम देखना चाहते हैं यह समय हम किस प्रकार समझ सकते हैं आपको पता है यीशु मसीह का देह धारण करना हम जिसको हम क्रिसमस के रूप में मनाते है ना यहाँ पर आप स्लाइड्स में देख सकते हो स्क्रीन पर यीशु मसीह का देह धारण करना मतलब प्रभु यीशु का जन्म हुआ उसके बाद में उनका रोहन हुआ कृषारोहण हुआ उन्होंने इंसान के पापों की कीमत अदा की उनको अपने लहू से खरीदा जो कीमत अदा करनी थी वो हुई उनका पुनरुत्थान हुआ और उनका स्वर्गारोहण हो गया अब उसके बाद में क्या हुआ कलिसिया का युग प्रारंभ हुआ कैसे जब स्वर्गारोहण हुआ तब परमेश्वर ने एक बात बोली थी और वो थी पवित्र आत्मा के उतरने की बात है ना। और जब पवित्र आत्मा पचासवे के दिन स्वर्गारोहण हुआ प्रभु यीशु का उसके दस दिन पश्चात पचासवे का दिन आया तब वहां पर पवित्र आत्मा उतर आए और वहां से कलिसिया का प्रारंभ हुआ और ये कलिसिया का युग या तो पवित्र आत्मा का युग कहा जाने लगा आ, और आगे क्या हुआ वहां पर ये पीरियड जब तक रेप्चर नहीं होता है मतलब प्रभु यीशु मसीह कलिसिया को उठान नहीं ले जाता है बादलों में कलिसिया का रोहन या तो रेप्चर नहीं होता है तब तक का समय कलिसिया का युग कहलाता है और यह अनुग्रह का समय कृपा का समय कहलाता है और इसके बाद में हम जो बातें सीख रहे हैं, वो शुरू होगी पर यह उसका बैकग्राउंड है कि उसके पहले ये बातें हुई बराबर अब जब यहां पर हो जाएगा उसके थोड़े समय के पश्चात ऐसा नहीं है कि वही समय पर पर कुछ समय बीतेगा और उस समय में क्या होगा कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा लीडर होगा जिसको हम ख्रिस्त विरोधी बोलते हैं उस समय में वह मिडल ईस्ट शांति का करार करे पूर्व शांति का करार वहां पर किया जाएगा शांति की वाचा वह बांधेगा और वो ही समय से जैसे ही वो शांति की वाचा बांधेगा वैसे ही सात साल का क्लेश काल का समय काल शुरू हो जाएगा साढ़े तीन साल और साढ़े तीन साल दो हिस्सों में वो बटा रहेगा पर जो ही ये शांति की वाचा बंधेगी ये शुरू हो जाएगा आप मेरे साथ दानियल नौ और सत्ताईस पढ़े देखिए दानियल नौ और सत्ताईस क्या लिखा है वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा क्या लिखा है एक सप्ताह एक सप्ताह मतलब सप्ताह के सात दिन है एक दिन का एक साल हम काउंट करते तो उस हिसाब से बाइबल में जो गिनती समझाई गई है उसके अनुसार सात दिन मतलब एक सप्ताह मतलब सात साल का यह वाचा बांधेगा और ये जो प्रधान है आधे ही सप्ताह के बीतने पर मतलब सात साल का आधा साढ़े तीन साल मतलब साढ़े तीन साल के बीतने पर वह क्या करेगा तो लिखा है कि मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा आप स्लाइड में देख सकते हो सामने स्क्रीन पर आ, मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा पर यह जो सात साल का जो पीरियड है समय काल है इसी समय में यह घटनाएं होने वाली है कि सात मुहरों को खोला जाएगा और एक एक मोहर के साथ एक एक विपत्ति जुड़ी हुई आप सोचो एक एक मोहर के साथ एक एक विपत्ति जुड़ी वो हम आगे देखने वाले दूसरा सात तुरहिया फूकी जाएंगी एक एक तुरही के साथ उसमें भी एक एक तुरही के साथ एक एक विपत्ति जुड़ी हुई है आप सोचो प्यारो कितनी भारी विपत्ति होगी वो जैसे ही सात मोहरे पूरी होगी सातवीं मोहर पहली तुरही को फूकने के लिए शुरू होगी वहां पर और जैसे ही सात मोहरे पूरी होगी वैसे ही प्रकोप के सात प्याले वहां पर सात कटोरे जिनका उल्लेख ये सब घटनाएं वहां पर होगी और यहाँ पर जो हमने दानियल नौ सत्ताईस में पढ़ा कि एक शांति की वाचा वहां पर बांधी जाएगी और ये जो शुरुआत का सात साल अः साढ़े तीन साल का पीरियड है उसमें यहूदी लोगों को यही लगेगा कि जिस मसीहा की राह हम देखते हैं जो शांति की बात करते हैं, जो शांति का पुत्र है वो यही है जिसने आते ही पूरे विश्व में शांति फैला दी है और बिल्कुल सारी लड़ाइयों को जैसे अंत कर दिया है और इसलिए यही हमारा मसीहा है और वो उस प्रधान को उस व्यक्ति को हकीकत में वो ख्रिस्त विरोधी है एंटी क्राइस्ट उसी को वो मसीहा समझ लेंगे और क्या होगा उस शांति की बांधेंगे जब मांदी जाएगी तब यहूदी लेव्य व्यवस्था वहां पर स्थापित होगी क्योंकि वहां मंदिर बांधने की भी परमिशन हो जाएगी और ये साढ़े तीन साल के अंदर वहां पर मंदिर भी बंधेगा और मंदिर में यहूदी लेव्य व्यवस्था के अनुसार जैसे आप पुराना नियम में देखते हो जो जो अर्पण चढ़ाए जाते थे जिसके बारे में हमने देखा मेल बलि और अन्न बलि और नहीं पापार्थ अर्पण ये सब पाप बलि ये सब कुछ वहां पर चढ़ाया जाएगा ये पूरी लेवी व्यवस्था वहां पर यहूदी लोग वहां पर शुरू करेंगे उनको लगेगा कि चलो जिसकी तमन्ना हमारे बनो में थी वो बात अब शुरू हो गई है और यह समय इज़राइल को बहुत सुरक्षित प्रोटेक्टेड वो महसूस करेंगे प्यारे यहूदी लोग इसराइली लोग पर क्या होगा अभी हमने दानियल नौ सत्ताईस में पढ़ा कि बीच में ही यहां पर लिखा है दानियल नौ सत्ताईस में कि आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और लिखा है कंगूरे पर मतलब मंदिर की मुख्य जगह पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु ये दिखाई देगी अब ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी और उसकी क्या करेंगे ये व्यक्ति जो है, वो उसकी आराधना करवाएगा प्यार वो अपने आप को दुनिया का मुख्य प्रधान जाहिर कर देगा वो अपने आप को दुनिया का मुख्य प्रधान जाहिर कर देगा प्यार और अपने आप को और अपनी उस मूरत की अपनी मूरत की जैसे दानियल के समय में हुआ था नबोखाद्य सर राजा ने उस समय में कि वो राजा की मूरत बड़ी वहां पर खड़ी की गई और वहां पर पूजा करने को अर्चना करने को झुकने को कहा गया यहाँ पर वही बात होने वाली है वही घटना घटने वाली है कि यह शैतान की ख्रिस्त विरोधी की और उस पशु की वहां पर आराधना करवाई जाएगी यारो आप सोचो पहले साढ़े तीन साल में ये बात होगी पर बाकी के साढ़े तीन साल में ये होगा और अब यहाँ पर इज़राइल को ऐसा लगेगा कि हमें ठगा गया है सच में प्यारो और उनको लगेगा कि जिस मसीहा की हम बात देखते ये वो नहीं ये तो कोई और निकला और प्यारो उनको लगेगा कि हम ठगे गए हम भ्रमित हो गए और पर परमेश्वर प्यारो अपने लोगों को ऐसे समय में भी नहीं छोड़ेगा उसकी कृपा इसके अनुग्रह उस समय में भी वो बहाएगा और वहां पर प्रकाशित वाक्य ग्यारह और तीन में क्या लिखा है आप पढ़े देखिए प्रकाशित वाक्य ग्यारह और तीन उस समय में क्या होगा पता है मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए एक हजार दो सौ साठ दिन तक भविष्यवाणी करे मतलब उनके दो गवाहों को दो नबियों को प्रभु भेजेगा अब ये दो नबिया कौन है उसमें हम गौर नहीं करेंगे पर अध्ययन बाइबल की स्टडी यह बताती है कि ये इनोक और एलिया हो सकते हैं क्योंकि ये दो ही व्यक्ति है जो स्वर्ग में उठा लिए गए थे जिन्होंने मृत्यु को देखा नहीं था और बाइबल में इब्रानी नौ और सत्ताईस में यह लिखा है कि जो एक बार जन्म लेते हैं उनका मरना अवश्य है और उसके बाद उनका न्याय का होना नियुक्त है मतलब इनका मरना बाकी है ये जे दो नबिया है एनोक अनोख जिसको बोलते हैं और एलिया क्योंकि ये दो दो लोगों को उठा लिया गया था अगर आप उत्पत्ति में पढ़े तो एनोक के बारे में लिखा है और राजाओं में आप पढ़ो तो एलिया के बारे में लिखा है तो उनको उठा लिया गया था इसीलिए ज्यादा बाइबल स्टडी जो लोग की है उनका यही मानना है और मेरा भी यही अनुमान है, मेरा भी यही मानना है कि ये दो प्रभु के दास होंगे उस समय में जिनके द्वारा प्रभु बड़े पैमाने में अपना प्रचार करेगा प्यारो और उनके बाद में उनकी हत्या भी की जाएगी और लिखा है कि साढ़े तीन दिन तक साढ़े तीन दिन के बाद में वह पुनरुत्थान पाएंगे वे जीवित होंगे यही प्रभु के दो दास कहो ये सब ये घटनाएं इसके समय में होगी हम हम एक-एक करके देखने जाएंगे तो प्यारा बहुत लंबा समय जाएगा पर ये मूल मूल बातें हैं जो हम आपको इस समय में जो होने वाली घटनाएं उसके बारे में हम बताते हैं प्यारे तो मतलब ये जो समय है 3.5 साल का बाकी का समय ये महाक्लेश काल का समय होगा जब एंटी क्राइस्ट ख्रिस्त खिस, विरोधी अपने आप को इस दुनिया का विश्व का मुख्य शासक के रूप में जाहिर कर देगा कि मैं ही इस दुनिया का मुख्य शासक हूं और वर्ल्ड रूलर के रूप में अपने आप को जब वो डिक्लेयर करेगा नहीं उसके बाद का जो साढ़े तीन साल का पीरियड है वो महाक्ले काल का पीरियड है इसमें और भी बहुत सारी बातों का वर्णन किया गया है वो हम धीरे धीरे देखते जा रहे हैं और जब ये सात साल का अंत होगा तब वहां पर हमने पिछले समय में देखा था देख चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना होगा और वो कहाँ पर होगा जैतून पर्वत पर होगा और उसके बारे में हमने जखारिया में और प्रकाशित वाक्य के उन अध्यायों में पिछले बाइबल अभ्यास में हम सीख चुके हैं कि प्रभु यीशु क्यों आएगा तो वहां पर अपनी इस प्रजा को बचाने के लिए आएगा क्योंकि वह समय वो होगा कि यरूशलेम को यहूदी लोग इसराइली लोग चारों तरफ से घिर चुके होंगे और मैक्सिमम uh, देश ज्यादातर देश वहां पर उनके विरुद्ध में आ खड़े हुए होंगे और बहुत बड़ा युद्ध वहां पर होने वाला है प्यारो जिसको uh, जिसके लिए लिखा बोला गया ये आर्मा गेडन बैटल ऑफ आर्मा गेडन हर युद्ध जिसके बारे में बाइबल वर्णन करती है प्यारो ये लड़ाई बड़ी लड़ाई वहां पर होगी प्यारो और इसीलिए आप मत्थी चौबीस में आप पढ़ते हो तो वहां लिखा है जहां पर लोथ होंगे वहां गिद्ध होंगे नहीं? मतलब एक ऐसी बड़ी लड़ाई होगी जो आरबा गडन की लड़ाई है और वहां पर प्रभु यीशु जब आएंगे अपने संतों के साथ आएंगे पवित्रों के साथ आएंगे जो सात साल पहले ही उठा लिए गए हैं रेप्चर में मेघारोहण में उनके साथ प्रभु आएंगे और यहाँ पर एक बड़ी लड़ाई प्रभु खुद लड़ेंगे वहां पर ऐसा लिखा है दूसरा थे सलोनी में कि प्रभु अपने आगमन के प्रभाव से ही एक फूक में ही आप फूक कर देखो ऐसे कर। करके एक फूक में ही उस ख्रिस्त विरोधी का संहार कर डालेगा हाँ परमेश्वर के आगमन में ये ये सामर्थ है प्यारो हाँ उस सामर्थ को समझे प्यारो और ये वो समय होगा कि जहाँ पर प्रभु अपने लोगों को बचाएगा प्यारो प्रभु उनकी लड़ाई लड़ेगा वहां पर इसराइली लोगों को लगेगा कि हमारा कोई भी नहीं है हम हम कैसे बचेंगे वहां पर एक सम एक जगह भी है कि वो छिप जाएंगे गुप्त जगह सिक्रेट प्लेस है वो छिप जाएंगे पर फिर भी ये समय आ जाएगा कि उनके विरुद्ध बहुत सारी प्रजाएं आ जाएंगी वो ज्यादा देर तक छिपे भी नहीं रह पाएंगे ये सब वर्णन आप प्रकाशित वाक्य में जब आप पढ़ोगे एक एक अध्याय तो आपको ये सारी घटनाएं आपके ध्यान में अध्यायन प्यारो इन दिनों में आप प्रकाशित वाक्य को समझ में नहीं आता है तो बार बार एक अध्याय ध्यान में नहीं आए तो वापिस पढ़े अगर हो सकता है तो इस अभ्यास को जो ऑनलाइन होगा आपके पास उपलब्ध होगा इसको वापिस देखे पर इसको समझने का प्रयास करे प्यारो क्योंकि ये हमारे ये घटनाएं हमें और भी नहीं? हमें और भी प्रोत्साहित करती है हमें और भी प्रभु में आगे बढ़ने के लिए प्रभु में बने रहने के लिए हमें हमें एनकरेज करती है 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 दुनिया में में भले है, भले संकट मुसीबतें हमारे आसपास है। पर फिर भी प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हमें ये बातें प्रोत्साहित करती है क्योंकि इन सब बातों का रिवॉर्ड प्रभु हमें देने वाला है हालिया और जब ये सात साल का अंत होगा आर्मा की लड़ाई के रूप में वहां पर यह अंत होगा और जब ये अंत होगा उसके बाद में क्या होगा एक बड़ी घटना दूसरी शुरू हो जाएगी अंतिम जो बाइबल की अंतिम समय की जो घटना है उसमें की एक दूसरी घटना है और वो है यीशु मसीह का एक हजार साल का राज्य जिसको बोलते हैं मिलेनियम। और ये एक हजार साल का राज्य जब शुरू होगा उससे पहले शैतान को बांध दिया जाएगा हाँ प्यारो शैतान को बांध दिया जाएगा एक हजार साल तक शैतान को बांध दिया जाएगा ये आ, आ ये सब बातें हम अगले बाइबल अभ्यास में सीखेंगे कि मिलेनियम उसका एक अलग बाइबल अभ्यास है वो हम देखेंगे आने वाले समय में पर आ, आज जो है इसके बाद के समय में मतलब ये पूरा ओवरव्यू है सात साल में क्या क्या बातें मूल मूल बातें होने वाली उसका ओवरव्यू है अब क्लेश काल फिर से हम इन सात साल में होने वाली घटनाओं की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे ये ग्रेट ट्रिब्यूलेशन जो बोले ये तीन स्टेज के हैं तीन चरण में होने वाले हैं पहला चरण है इसका सात मुहरों का खोला जाना दूसरा चरण होगा सात तुरहियों का फूका जाना और तीसरा चरण होता है प्रकोप के साथ कर, कटोरों का ये तीन चरण में ये महाकलेश महा को खोला जाएगा पृथ्वी पर बहुत भारी विपत्तियां शुरू हो जाएगी प्यार उसके बारे में हम आज थोड़ी बातें आज हम सीखेंगे आ, आ, हो सके तो दो या तीन या चार मुहरों को खोला जाएगा ये बातें हम सीख कर पूरा करेंगे पर सात मुहरों को खोला जाएगा उसके बाद में होगा सात तुरहियों को फूका जाएगा आ, ये सात तुरहियों का जो समय है फूका जाने का समय ये समय वो होगा हो कि बिस्ट मतलब पशु जिसके बारे में बाइबल में वर्णन किया गया है प्रकाशित वाक्य तेरहवे अध्याय में आप पढ़ोगे तो उसमें ध्यान में आएगा उसका ख्रिस्त विरोधी का एंटी क्राइश का और दूसरे फल दूसरे फल मतलब जो लोग रेप्चर में शामिल नहीं हो पाए लेफ्ट बिहाइंड बिलीवर्स जिनकी बात है मतलब वो बाद में विश्वासी हुए लेकिन अब नहीं परमेश्वर की सेवा को उन्होंने चुना है परमेश्वर के पीछे चलना उन्होंने चुन लिया है कोई भी कीमत चुका कर्म हम चलेंगे ये होंगे दूसरे फल वो लोग रेप्चर में शामिल नहीं होने वाले ये इनके साथ का बहुत भारी घर्षण ये जब सात सुरे या फूकी जाएंगे इसमें ये वर्णन ज्यादातर आपको देखने मिलेगा और तीसरा जो चरण है वो है सात कटोरे का, का उंडेला जाना इसमें क्या होने वाला है तो शैतान पशु और ख्रिस्त विरोधी पशु मतलब बीस्ट जिसकी बात की गई है ख्रिस्त विरोधी वह उनके अनुयाई उनके फॉलोअर्स उनके पीछे जो चल रहे होंगे मतलब छाप लेने वाले आपको पता हो तो जब 3.5 साल पूरे होंगे तब यह व्यक्ति खड़ा होगा वो छाप लेने के लिए बोलेगा कि आपको हर एक को कुछ भी खरीदना है या बेचना है तो आपको छाप अपने हाथ पर या तो अपने कपाल पर छाप लेनी पड़ेगी आप मेरे साथ तेरवा अध्याय निकाले प्रकाशित वाक्य उसका तेरवा अध्याय देखिए ये पशु के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है दूसरी याद से लिखे जो पशु मैंने देखा वह चित्ते के समान था और उसके पाँव भालू कैसे थे और उसका मुंह सिंह था उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया उस अजगर ने किसने मतलब शैतान ने है ना उसको बड़ा अधिकार दे दिया अपना सिंहासन दे दिया बड़ा अधिकार और सामर्थ्य दे दिया और लिखा है आगे वहां पर हम पढ़ेंगे आ, लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था खिस्त विरोधी को यह पूरा अधिकार मिल गया था और इसीलिए नहीं उन्होंने जो 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 तो खड़ी की गई थी उसकी पूजा की और वहां पर क्या लिखा है पांचवी आयत में लिखा है आ, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे बयालीस महीने तक काम करने का अब बयालीस महीने मतलब साढ़े तीन साल आप सोचो साढ़े तीन साल का समय आ, तीन साल मतलब छत्तीस महीने बारह 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 छत्तीस और साढ़े तीन साल दूसरा आधा मतलब दूसरे छह महीने जोड़ दो तो छत्तीस और छह बयालीस महीने हो गए तो ये बयालीस महीने तक काम करने का इसको अधिकार मिला और लिखा है उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला क्या लिखा है परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे उससे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े मतलब पवित्र लोग मतलब जो उस समय में जिसके बारे में हमने प्रकाशित वाक्य में भी थोड़े समय में पढ़ा नहीं कि काल में वो अंत तक विश्वास योग्य रहे इसलिए मथी में वहां पर लिखा है कि जो अंत तक रहेंगे उसका उद्धार होगा अब ये अंत तक रहने का मतलब वो नहीं है कि पृथ्वी के अंत की बात की है पर ये, ये अंत की बात की है मतलब सात साल का जो विपत्ति काल है उसके अंत तक टिके रहने वाले लोगों की बात है जो अंत तक टिका रहेगा उसका उद्धार होगा मतलब जो विश्वास योग्य रहेगा जो छाप नहीं लेगा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है सातवीं आयत तेरव अध्याय में प्रकाशित वाक्य उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया देखिए प्यारो कितना बड़ा अधिकार इसको मिल गया है एक तो पवित्र लोगों से वो लड़े और उन पर जय भी पाए नहीं उन पर जय भी पाएगा ठीक है और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर भी अधिकार दिया गया और आठवीं यार लिखा है पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है उस पशु की पूजा करेंगे आ, ज, वो जो लोग, जो लोग पृथ्वी के सब रहने वाले जो लोग बाकी की बात है वो लोग यहाँ पर उस पशु की पूजा करेंगे लिखा है जिसके कारण वह सुन ले और आगे यहाँ पर क्या लिखा है पता है सोलह आयत आ, तेरे भी आयत पढ़ते पहले वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था आप सोचो पैरो ख्रिस्त विरोधी उसको यह अधिकार होगा स्वर्ग से आग भी वो बरसाएगा और इसीलिए बहुत सारे लोग इन इस समय में विश्वास से भटक जाने वाले लोग भी इसमें होंगे जो लोग विश्वास तो करेंगे पर छाप भी ले लेंगे भटक जाएंगे विश्वास में और ये वो लोग होंगे वहां पर और जिन इन चिन्हों के कारण वो लोग पृथ्वी के रहने वालों को भरमाए और लिखा है कि उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया आप सोचो उस पशु की मूर्ति बोलने लगेगी उस पशु की मूर्ति बोलने लगेगी उसमें प्राण डालने का भी अधिकार उसको दिया गया सोलह याद में लिखा है उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी क्या लिखा है छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो अन्य कोई लेन देन न कर सके मतलब आप कुछ सेलिंग करना चाहते हो बिजनेस करना चाहते हो आपके पास छाप होना सेल होना अनिवार्य है छह उस समय वो छह भी हो सकती है या तो कुछ और आर एफ आई डी कोड भी हो सकता है पर यह उस पशु का चिन्ह होगा प्यारो देखा है हाथ पर दाहिने हाथ पर या उनके माथे पर और प्यारो इन दिनों में अगर आप देखो तो बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर छोटी आर एफ चिप जिसको बोलते माइक्रो चिप बहुत छोटी कैप्स गेहूं का दाना होता है चावल का दाना उस वैसी बार एक छोटी दाहिने हाथ में ये दो हिस्सों में आप अंगूठा और पहली जो उंगली है दूसरी बड़ी ये दो उंगलियों के बीच में जो हिस्सा है वहां पर वो डाला डाली जा रही है कि जिसमें उस व्यक्ति का पूरा जन्म से लेकर जितना भी रिकॉर्ड है सब कुछ रिकॉर्ड उसके अंदर शामिल होगा जो भी नेसेसरी एसेंशियल मतलब बहुत ही आवश्यक जानकारी उस व्यक्ति की होगी वो उसके अंदर स्टोर होगी और वो उसके इसीलिए आप देखो अब अब फिंगरप्रिंट आ गई है आप जैसे फिंगरप्रिंट देते हो कई बहुत सारे एटीएम ऐसे वहां पर फिंगरप्रिंट डलवाते हैं वहां पर नहीं मतलब ये सब बातें अब उन उस दिशा की और बढ़ रही है कदम बढ़ा रही है कि ये समय बहुत निकट है तो ये अंतिम समय की जो बात है उसमें ये घटना भी होने वाली है प्यारो कि हाथ दाहिने हाथ में या तो कपाल में ये चिन्ह लिया जाएगा प्यारो दूसरी जो बात है तीसरा प्रकोप के साथ कटोरे जब ये कटोरे उन्डे ले जाएंगे तो शैतान या पशु और ख्रिस्त विरोधी और उनके अनुयाई पर परमेश्वर का बहुत भारी कृपोप प्रकोप आएगा वो प्रकोप कैसा आएगा प्यारो वो नेक्स्ट बाइबल स्टडी में मतलब कल ही हम देखेंगे आ, कल बुधवार ही हम उसके उसको देखने वाले हैं पर अभी कुछ बातें जो है मुहर मुहरों के बारे में हम देखना चाहेंगे सात मुहरों का खोला जाना अगर आप मचित रचित सुसमाचार चौबीस अध्याय और पांच से आठ आयत में अगर आप देखो तो जो घटनाओं का वर्णन किया गया है वो बिल्कुल ये ये जो पहली चार मोहरे यहाँ पर खोली गई है वो चार मोहर जब खुलती है तो एक एक करके एक घोड़ा आता है वहां पर और उसके ऊपर एक सवार दिखाया गया है और वो क्या क्या लेकर आता है उसके पीछे क्या क्या घटनाएं जुड़ी हुई है नहीं दृश्य रूप में ये घोड़ा या तो ये सब घुमेगा नहीं ये संसार में ऐसा कुछ नहीं होगा पर प्यारों ये संकेत है ये, ये एक चिन्ह के रूप में है संकेत के रूप में है कि भाई पहला घोड़ा दूसरा घोड़ा तीसरा घोड़ा तो क्या बताता है नहीं उसको हम देखेंगे पर ये जो ऑर्डर है जो घटनाओं का क्रम है बिल्कुल मध्य रचित सुसम चौबीस और पांच से आठ में जो घटनाएं बिल्कुल वो ही ऑर्डर में वो ही क्रम में है आप देखो पहली मोहर सात मोहरों में सबसे पहली मोहर जब खोली गई तो क्या हुआ प्रकाशित वाक्य उसका छठा अध्याय आप निकाले पहली और दूसरी आयत हम पढ़ेंगे है। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन सात मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना या शब्द था वो आ आ मतलब कम दूसरी आयत मैंने दृष्टि की और देखो और दूसरी आयत मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष पहला घोड़ा जो आएगा पहला सवार आएगा वो सफेद घोड़े पर आएगा बहुत सारे लोग इसका गलत मीनिंग भी यहां पर कर बैठते हैं कि भाई हाँ ये यीशु मसीह आएगा घोड़े पर सफेद घोड़े पर तो वही सवार है और सफेद वस्त्र पहने तो वही होगा पर हकीकत में प्यारो ये झूठा मसीह है अर्थात ख्रिस्त विरोधी जिसके बारे में हमने अभी शुरू में पढ़ा नहीं कि शुरुआत का समय विपत्ति काल का बिल्कुल शुरुआत का समय जब शांति की वाचा यहाँ पर की जाएगी झूठा मसीह लिखा है कि वो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे मतलब ये संसार में बहुत सारी जगहों पर जय पाया हुआ व्यक्ति मतलब उस ये इसने बहुत सारे लोगों को सॉल्यूशन दिए होंगे हो सकता है और बहुत सारी बातों पर बहुत सारे लोगों पर वो जय पाया हुआ व्यक्ति है अपनी झूठी और चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों को भरमाया हुआ यह व्यक्ति आप देखो दानियल ग्यारवा अध्याय निकाल लें मेरे साथ ये व्यक्ति जो होने वाला है दानियल आप ग्यारहवा अध्याय निकालें यहां पर क्या लिखा है दानियल का ग्यारवा अध्याय इक्कीस आय हम तो पढ़ेंगे उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो न, न होगी मतलब राज प्रतिष्ठा पहले तो न होगी तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा अब और बत्तीसवीं आयत आप पढ़े वो ही दानियल का 11वां अध्याय बत्तीसवीं आयत और वहां पर लिखा और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर कह हीन कर देगा परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे ही आव बांध कर बड़े काम करेंगे वहां पर बहुत सारे लोगों को भरमाएगा ये व्यक्ति उस समय पर नहीं प्रभु के जो साथ में चलने वाले जो लोग के कीमत चुका कर आगे बढ़ने वाले लोग उस समय में वो लोग कीमत चुकाएंगे प्यारो और लिखा है कि वे लोग और भी हिया बहान हिम्मत पाकर प्रभु से बल पाकर बड़े बड़े काम वो वहां पर करेंगे प्यारो अल्लाह ये वो समय है प्यारो की ये जूठा मसीह अपनी बातों को लोगों के ऊपर डालेगा प्यारो दूसरी बात जब दूसरा मोहर दूसरी मोहर खोली गई प्रकाशित वाक्य रेवलेशन और तीन से चार आयत वहां पर आप पढ़ो तो एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था कैसा था आप देख सकते हो स्क्रीन पर लाल रंग का था उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले क्या उठा ले मेल मतलब, मेल मतलब मिलाप शांति भाईचारा उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को वध करें मतलब एक दूसरे को मारेंगे मतलब और उसे एक बड़ी तलवार दी गई अब आप यहां पर जो घोड़ा लाल रंग का है लाल को लहू को बताता है जो लाल रंग का घोड़ा लहू को आ, लहू का संकेत है और तलवार नहीं हाथ में तलवार लिए हुए ये एक व्यक्ति है तो ये तलवार क्या बताता है युद्ध का संकेत करती है मतलब ये जो निशानी है दूसरी मोहर जब खोली जाएगी तब ये बात होगी भारी मात्रा में इस संसार में रक्तपात होगा और नरसंहार होगा प्यारो यस बहुत भारी मात्रा में रक्तपात और नरसंहार होगा हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध भी ये समय में हो चांस है परमेश्वर की योजना में ये अगर इन समय में नहीं होता है जो अभी के समय है नहीं कि हम देख रहे हैं कि चारों तरफ महामारी फैली हुई है लोग कोई पर्टिकुलर कोई एक देश की ओर उंगली लगा रहे हैं कि भाई इस देश ने ही कुछ किया है हो सकता है उसके विरुद्ध में हो वो देश दूसरे देश के विरुद्ध में हो कोई कुछ करे कोई कुछ करे और ऐसे बड़ा युद्ध विश्व युद्ध भी हो सकता है पर उस समय में भी ये युद्ध शुरू हो सकते हैं बहुत भारी मात्रा में रक्त संहार होने की संभावना है प्यारो आप सोचो कैसा समय होगा प्यारो अभी एक महामारी यहाँ पर चल रही है लोग हिल गए मुझे याद है कि जब कर्फ्यू होता था मैं छोटा था और जब कम्युनल राइट्स होने लगते थे मैंने देखा है प्यारो ऐसा कर... लोग ऐसे तफड़ते थे, थे उस समय लोग ऐसे भय में आ गए थे प्यारों, ये ऐसा समय होगा ये तो बहुत भारी लड़ाई का समय होगा बहुत सारा लहू बह जाएगा आप सोचो ये क्या आप ये समय देखना चाहते हो क्या, क्या ये समय में रहना चाहते हो पसंद करोगे क्या ये समय में रहना तो प्यारो जागते रहो बाइबल ये बोलता है प्रभु तो ने यही बात बोली जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम पर वो समय आना पड़े उससे तुम बचते रहो तीसरा तीसरी मोहर जब खोली जाएगी प्रकाशित वाक्य उसका छठा अध्याय आप निकालें क्या लिखा है वहां पर हम पढ़ेंगे आ, पांच और छह आयत जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना आ मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है मतलब एक काला घोड़ा वहां पर होगा उसके ऊपर सवार होगा और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है क्या है एक बैलेंस है आप देख सकते हो यहाँ पर एक इमेज है कि एक तराजू है और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना दिनार का शेर भर गेहूं और दिनार का तीन शेर जौ पर तेल और दाख रस की हानि न करना प्यारो ये ये क्या है पता है ये क्या बात बताती है ये समय में बहुत भारी महंगाई का समय आ जाएगा प्यारो उस समय की अगर बात करें जब ये बातें लिखी गई उस समय की बात करें तो एक शेर गेहूं जिसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि दिनार का शेर भर गेहूं मतलब एक से गेहूं मतलब 500 ग्राम होता है वेट उसका 500 ग्राम एक दिनार में 500 ग्राम गेहूं अब उस समय में आ, 70 सत्तर पैसे ये काउंट होता था सेवनटी पैसे मतलब मजदूर की एक मजदूर की एक दिन की रोजी रोटी कहलाती थी अब आज आप सोचो एक दिन की रोजी रोटी आप सोचो यहाँ पर तो आठ गुना ज्यादा हो जाएगा आठ गुना ज्यादा हो जाएगा Uh, सामान्य रेट पर वहां पर एक दिनार से आठ शेर गेहूं मिलते थे आठ सेर गेहूं मिलते थे मतलब चार किलो गेहूं मिलते थे सामान्य रेट 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 पर, पर, पर पर? नॉर्मल क्या है यहाँ पर? एक शेर गेहूं मतलब आधा किलो गेहूं मतलब आठ गुना ज्यादा रेट वहां पर हो जाएगा मतलब महंगाई बढ़ जाएगी अकाल बढ़ जाएगा बारिश कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा खेत खली भी खाली रह जाएंगे प्यारो सूख जाएगी फसलें आप सोचे ये, कि आप ऐसे समय में जीना चाहते हो कैसे समय में जीना चाहते हो तैयार हो जाइए प्यारो अपने आप को तैयार रखे उसकी बाट देखते रहे बाट देखने वाला ही उसको देख पाएगा जो आने वाला है प्यारो और यीशु ने बोला कि मैं चोर की ना आता हूँ आप सोचो चोर आता है तो वो बोल कर नहीं आता है आपको चोर को देखना है तो आपको जागता रहना पड़ेगा तभी ये आप चोर को पकड़ पाओगे है ना मतलब यीशु का उसके बराबर लिखा गया बाइबल में कि मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और लिखा है यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे दिनार का तीन से जाओ, और मतलब महंगाई बढ़ जाएगी अकाल बढ़ जाएगा तलवार होगी मतलब लड़ाइया भी होगी महामारी भी इस समय में होगी महंगाई भी इस समय में होगी प्यारो आप सोचो गाड़ने के लिए डेड बॉडीज लाशें गाड़ने के लिए जगह नहीं होगी आज भी अमेरिका में कोरोना की वजह से जितनी बड़ी पैमाने में जो आप देख रहे हो मृत्यु आप देख रहे हो प्यारो कितनी बड़ी पैमाने में आ, लोगों की मौत हो रही है उनको दफन करने के लिए जगह नहीं हो रही मिल रही है एक अलग ऐसी जगह वहां पर इन्होंने ढूंढी है कि वहां पर वो जाकर उसको दफन कर रहे पर ये तो बहुत बड़े पैमाने पर होगा उस समय में आ, महामारी होगी आज के समय में आप भूख भूख भूखमरी मरी उस समय में बढ़ जाएगी आज के समय में भूखमरी से आ, हर दिन एक आंकड़ा है कि हर एक दिन रोज दस हजार के आसपास लोग मर जाते हैं रोज पूरे विश्व में भूखमरे की वजह से ज्यादातर देश अपने बजट का ज़्यादातर हिस्सा हथियारों में और उन बातों में खर्च कर रहा है भोजन में शिक्षा में स्वास्थ्य इनसे इनके सिवाय हथियारों में खर्च कर रहे जबकि खाने पीने या तो शिक्षा प्रशिक्षण स्वास्थ्य हेल्थ इन सब बातों में खर्च करना चाहिए पर इसकी जगह पर युद्ध को लेकर हथियारों में खर्च किया जा रहा है।, ये सब बता रहा है कि आने वाला समय बहुत भारी है प्यारो अभी से ये शुरू हुआ है आप सोचो आने वाला समय कितना भारी होगा दूसरी चौथी मुहर चौथी मुहर दुस... उसमें छठा अध्याय सातवी आठवीं आय रिवलेशन मतलब प्रकाशित वाक्य छे और सात आठ में क्या लिखा है जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना कि आ और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है क्या है मृत्यु और दो तो लोग उसके पीछे पीछे हैं और उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले अब यह चौथी मुहर खोली जाएगी तब मृत्यु नहीं मृत्यु को अधिकार दिया जाएगा और मृत्यु को अधिकार मिलेगा क्या होगा क्या होगा पृथ्वी की एक चौथाई बस्ती एक चौथाई ट्वेंटी फाइव परसेंट जितनी बस्ती अभी है जितनी पॉपुलेशन है उसका एक चौथाई ट्वेंटी फाइव परसेंट आप काउंट करो अभी के के टाइम मुताबिक तो आप सोचो उन पर अधिकार उतना हिस्सा मर जाएगा कितना भारी समय होगा लड़ाइया अकाल महामारी जैविक युद्ध बायोलॉजिकल बैटल प्यारो वहां पर होंगे तो आप सोचो कितनी भारी चीजें वहां पर हो सकती है वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार, मार डाले यहाँ पर जो शब्द वन पशुओं के लिए लिखा गया है वो बीस्ट उनके द्वारा होने वाली बीमारियां नहीं अभी लोगों ने कुछ ऐसा बोला कि भाई कोरोना हुआ तो किसके द्वारा हुआ है तो कि भाई जो चमगादड़ है है उनके द्वारा यह हुआ है तो मतलब कोई ना कोई पशु के द्वारा कभी बर्ड फ्लू हो गया कभी कुछ हो गया नहीं ऐसी महामारियां कहीं ना कहीं आती रही है प्यारो तो उस समय में भी मृत्यु को जब अधिकार दिया जाएगा तो ये घटना घटने वाली है प्यारो सोचे कितना भयानक वो समय होगा प्यारो कि 25 प्रतिशत वस्ती का 25 प्रतिशत हिस्सा मौत में मारा जाएगा प्यारो लड़ाइयों में महामारियों में या किसी भी रूप में ये लोग मारे जाएंगे प्यारो तो ये वो समय है हम जिसके आने वाले क्लेश काल में ये सब हम देखने हम नहीं पर ये समय देखने को मिल सकता है अगर कोई रह गया है तो क्या प्यारो सच में आप ये समय में रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो मैं आपसे प्रश्न करता हूँ प्यारो परमेश्वर जो सात साल का जो क्लेश काल है प्यार इसका, इसके पीछे परमेश्वर का यह मकसद है कि जो अन्य विश्वासी लोग हैं जिन्होंने यीशु उद्धारकर्ता के रूप में उनके सामने पेश किया गया सो समाचार दिया गया पर उन्होंने नहीं स्वीकारा उल्टा उनकी मश्की की उल्टा यीशु के बारे में गलत गलत शब्द बोले यीशु की निंदा की ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस संसार में हैं जो आज यीशु पर थूक रहे हैं मसीहियत पर थूक रहे हैं प्यारो पर ये वो समय होगा जो इनके ऊपर विपत्ति लाने का समय होगा परमेश्वर का यह ये, ये पर्पज है का प्यारो कि ऐसे लोग वो एंटी क्राइस्ट ख्रिस्त विरोधी वो वो झूठा मसीह और उनके फॉलोअवर्स उनके पीछे चलने वाले लोग इनके ऊपर दंड लादने का उनके ऊपर न्याय लाने का यह समय है प्यारो इसके लिए ये पर्पज है क्लेश काल का क्या आप उनमें से एक हो अगर नहीं हो तो प्रभु का धन्यवाद आपको रेप्चर में प्रभु उठा लेगा पर उस दिन तक आपको प्रभु की बात को देखना है न दाए न बाय परमेश्वर के वचनों के आधार पर परमेश्वर के पीछे हमें चलना है प्यारो उन्होंने जो बातें बोली है वो करना है प्यार आ, जो लोग बहुत ही अधर्म के काम कर रहे हैं उनको शिक्षा देने का यह समय होगा और तीसरा परमेश्वर का यह पर्पज है कि इज़राइल जो बिल्कुल कठोर यीशु को मतलब अपनाया ही नहीं आप फरोशियों का आप देखे कैसा एटीट्यूड रहा नहीं आज भी बहुत सारे यहूदी नहीं अपना रहे यीशु के नाम पर वो भाग जाते करने लगते हैं, नहीं? पर यह वो समय होगा कि उनका मसीहा को इनकार करने का नकार करने का नहीं आ, इनको समय वो इनके शिक्षा झेलनी पड़ेगी और यही वो समय होगा कि वो वो ही मसीहा जो इनके लिए आया जिन्होंने इनके लिए प्राण दिए लहू बहाया उसको बिनती करने का उसको गिड़ गिड़ाने का ये समय होगा वो चिल्लाएंगे गिड़ प्यार इस समय में यीशु मसीहा तो शुरुआत के साढ़े तीन साल तो उनको पता भी नहीं रहेगा उसके बाद में सब पता चल जाएगा कि कौन सच्चा मसीहा है, आपको और को तो ये बात हो चुकी है। आपकी और मेरी आंखें तो परमेश्वर ने खोली है पवित्र आत्मा को भेज कर आइए उसी पवित्र आत्मा की सहायता हम मांगते हैं और प्रभु से कहते हैं समय निकल गया ज्यादा हम नहीं देख पाएंगे बाकी की मुहरे और दूसरी जो बातें हैं हम कल देखने वाले हैं तो कल जरूर हम सात बजे इसी समय पर इकट्ठे होंगे पर आइए हम इस समय हम प्रार्थना में जाते हैं अपने आप को अपने मस्तकों को झुकाते और प्रार्थना करते आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, हैं। परमेश्वर ने जो समय प्यारो आपको और मुझको ये लॉकडाउन के समय में दिया है जो खाली समय जो फाजल समय दिया है प्यारो क्या आप उस परमेश्वर की बात देखने के समय के रूप में इसको इस्तेमाल कर रहे हो मैं आपको प्रश्न कर रहा हूँ कि या यूं ही आप गपशप में अपना समय बिता रहे हो यूं ही आप मोबाइल की एप्लीकेशंस में समय बिता रहे हो यूं ही आप दूसरी बातों में चर्चाओं में समय बिता रहे हो आपके पास बहुत सारी बातों को चर्चा करने का समय है पर क्या आपको प्रभु के वचनों की चर्चा करने का समय है आपके पास मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ क्या आप सच में आपके चौबीस घंटों का समय आप निकाले प्यारा के उस समय में से कितना समय आप प्रभु की बातों में निकाल रहे हो यह तय करेगा कि आप सच में प्रभु की बात देख रहे हो क्या आप जागते हो या नहीं ये वो तय करेगा प्यारे आपको क्या अच्छा लगता है किस बातों में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है वो तय करेगा कि आप यीशु की बात देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो प्यारो ये समय आपके लिए है कि आप उस जिंदा परमेश्वर के साथ के रिश्ते में और भी तरोताज की प्राप्त करो और भी नए रिफ्रेश एक एक नई ताजगी को आप प्राप्त करो प्यारे अगर आप कहीं भी परमेश्वर के साथ के उस संबंध में पीछे चले गए प्रभु से कहे इस समय कि प्रभु तो मेरे 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 आत्मिक जीवन को छू आत्मा फिर से नई ताजगी को तो उंडेल दे प्रभु अगर आप पीछे मुड़ गए आप बैक स्लाइड हुए तो यह समय है प्रभु को फिर से अपने आप को रीडेडिकेट करने का पुनः समर्पण करने का यह समय है आप कहे प्रभु मैं तुझे अपना जीवन देता हूँ अगर आप बहुत कुछ जानते हो सीखते हो समझते हो फिर भी अगर आप उस यीशु के पीछे नहीं चल रहे हो गए उस लाउद की कलिसिया के समान हो जाओगे जो सात कलिसिया में की, एक कलिसिया थी जिसके विरुद्ध में प्रभु को फरियादे थी क्या आप आज प्रभु को आपके विरुद्ध फरियादे है कि प्रभु आपके जीवन से प्रसन्न है आपकी जीवन शैली देख कर क्या प्रभु खुश अपनी खुशी को व्यक्त कर रहा है क्या क्या आपकी को देख कर प्रभु कह सकता है कि ये मेरा है क्या आपके समय बिताने को देख कर क्या प्रभु बोल सकते है कि ये मेरा है मेरा चुना हुआ पात्र है क्या आपकी लाइफ स्टाइल और आपके आपके इस समय में बिताए हुए समय को देखकर दिन के ज्यादातर बीताते हुए समय को देखकर क्या प्रभु बोल सकता है कि यह चुना हुआ वंश है है कि या राह देख रहा है, मेरी वाट देख रहा है आइए प्यारो अपने आप को समर्पित करते हैं तय करे प्यारो कि अंत तक मैं वफादार रहूंगा प्रभु तेरे आने तक मैं वफादार रहूंगा प्रभु क्योंकि तू आएगा और मुझे ले जाएगा प्रभु मुझे वफादार रहना है प्रभु आप कहे जैसे तू विश्वास योग्य रहा एक एक वचनों को तूने पूरा किया वैसे ही प्रभु मैं मेरी प्रतिज्ञाओं को पूरा करूंगा मैं अटल रहूंगा मेरी बातों पर जो मैंने आपके सामने रखी है मैं अटल रहूंगा मेरे निर्णयों पर मेरे फैसलों पर जो मैंने आपके पीछे चलने के लिए किए हैं जो मैंने आपके प्रति भाव दिखाने के लिए किए हैं आपके प्रति प्यार और प्रेम दिखाने के लिए जो मैंने फैसले किए हैं वो फैसले कोई भी हो सकते हैं वो फैसले के रूप में हो सकता है कि आपका बाइबल पढ़ना आपने बढ़ाया हो सकता हो बाइबल अभ्यास का समय नियुक्त किया हो सकता है आपने किसी की मदद करने का समय नियुक्त किया हो सकता है आप कुछ भी समय हो सकता है प्यारो आइए हम अपने आप को जांचे प्यारो कि हम सच में परमेश्वर की बात देख रहे हैं कि नहीं क्योंकि परमेश्वर का वचन यह बोलता है उस समय की हम बाट देखते हैं जो यीशु के प्रकट होने का समय है क्या आप विश्वासी होने के नाते उसके समय की बाट देख रहे हो कि नहीं आइए प्रार्थना करते प्रभु धन्यवाद करते प्रभु फिर से आज आपने हमें यह अवसर दिया कि आपकी बातों को हम समझ पाए सीख पाए प्रभु उस क्लेश काल और काल के समय के अंदर जो घटनाएं होने वाली है प्रभु उसके बारे में आपने बो... बहुत सारी बातें आपने हमारे आगे रखी है पिता और भी बहुत कुछ आप कल प्रभु सिखाने वाले हो प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु पर ये मौका आपने हमें दिया ये प्लेटफॉर्म आपने हमें दिया कि ऑनलाइन हम इन वचनों को सीखने के लिए जोड़ पाए परमेश्वर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हम आपके आभारी है परमेश्वर कि आपने प्रभु हमारे आगे आपके वचनों को रखा है प्रभु अस्पष्ट हमें नहीं रखा है धुंधला हमारे आगे नहीं रखा है अनक्लियर नहीं रखा है प्रभु आपने सब कुछ ट्रांसपरेंट और बिल्कुल साफ साफ बता दिया है हमें कि यह समय कैसा समय होने वाला है और हम प्रार्थना करते प्रभु हमें यह अनुग्रह दे परमेश्वर कि हम उस फिलाडेल्फिया की कलिसिया के समान बने परमेश्वर की जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली कलिसिया थी परमेश्वर जो प्रभु को महिमा देने वाली कलिसिया थी जो विश्वास योग्य थी जो प्रभु को ऊंचा उठाने वाली कलशिया थी जो अपनी प्रतिज्ञा में वफादार रहने वाली कलिसिया थी हां प्रभु हमें यह अनुग्रह दे प्रभु कि हम हमारी प्रतिज्ञा पर वफादार रहे आपके अनुसरण में आपको फॉलो करने में वफादार बने रहे परमेश्वर हमारे काम लोगों को दिखाने

परमेश्वर जैसा आपने उन सातों कलिस में लिखा है कि जो जय पाएगा उससे रिवॉर्ड मिलेगा प्रतिफल मिलेगा हाँ प्रभु हमें जय पाना है परमेश्वर यह वो समय है प्यारो जय पाने का समय है प्रभु यीशु मसीह का आना जब नहीं हुआ है यह समय जय पाने का समय है अपनी कमजोरियों पर संसार के क्लेशों पर अपने जीवन के ऊपर आने वाले संकटों के ऊपर बीमारियों के ऊपर जो भी परिस्थितियां हमें दबाती है प्रभु में आगे बढ़ने से उन सभी के ऊपर जय पाने का समय है प्यारो पाप के ऊपर जय पाने का समय है प्यारो परीक्षाओं के ऊपर जय पाने का समय है प्यारो आइए प्रभु से कहे प्रभु मुझे जय पाने के लिए सामर्थ्य तो भर दे प्रभु और भी नहीं अभिषेक से तो भरता जा ताकि मैं इस संसार के क्लेशों पर जय पाता जय पाता बढ़ता जाऊं बढ़ता जाऊं और तेरी महिमा कर परमेश्वर जिस दिन तू तो आए परमेश्वर तेरे साथ मैं में मेघारोहण रेप्चर में मैं शामिल हो और तेरे साथ सदेव वहां पर वास करूँ परमेश्वर प्रभु तेरा अनुग्रह हम चाहते हैं परमेश्वर तो हमारी सहायता कर आज आपने फिर से यह अनुग्रह दिया है प्रभु हम बहुत कुछ समझ पाए सीख पाए प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु आगे भी और भी बातें जो आप सिखाना चाहते हो हमें हमें तैयार कीजिए हमारे मनों को और भी तैयार कीजिए और उत्सुक कीजिए हमें आपके आगमन के लिए उत्सुक कीजिए तैयार कीजिए परमेश्वर ओ प्रभु हमें एनकरेज कीजिए कीजिए प्रोत्साहित प्रभु कि हम उस आगमन की ओर बढ़े प्रभु संसार में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं परमेश्वर जिसके लिए परमेश्वर हम उत्सुक रहते कि वो कब आएंगे ये कब आएगा ये कब आएगा पर प्रभु हम तेरे लिए कभी उत्सुक नहीं रहे पर प्रभु इन दिनों में प्रभु तू हमें अनुग्रह दे कि हम तेरे आने के लिए उत्सुक बने प्रभु तेरे आने के लिए प्रभु हम तैयार बने प्रभु सिर्फ बैठे न रहे पर प्रभु जितने भी मौके मिले प्रभु हम तेरे साथ प्रेम बताकर जो काम करने वो करते जाए परमेश्वर हम यीशु के नाम यह प्रार्थना आपके चरणों में लाते हैं आपकी आशीष को उन देते हैं आपकी आशीष को जाहिर करें जो लोग तकलीफ में है चिंता में है भय में है असमंजस में है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवनों में आपकी शांति को बोलते हैं परमेश्वर प्रभु येशु के नाम में हम आपकी शांति को बोलते हैं यीशु के नाम में शांति को बोलते हैं आपकी महिमा कीजिए परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु धन्यवाद के साथ हमारी प्रार्थना येशु के नाम में लाते हैं